सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सो अभी तक आपको जो चीज मैंने समझाई होगी वो आपको सब अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, लास्ट और लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर के हाफ लाइफ में रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट यूज करना है या रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूज करना है। तो एक उसके लिए एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्टेंट पूछा है तो जिसका हाफ लाइफ पूछेगा उसका रेट कांस्टेंट आपको यूज करना है। जस्ट लाइक अगर आपको रिएक्शन का हाफ लाइफ पूछा है तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट यूज करिए, और अगर आपको पर्टिकुलर स्पीसीज का हाफ लाइफ पूछा, जैसे उसने पूछा हाफ लाइफ ऑफ ए या हाफ लाइफ ऑफ बी, तो याद होगा उसमें मैंने आपको रेट कांस्टेंट कौन सा यूज किया था, रेट कांस्टेंट ए का यूज किया था और रेट कांस्टेंट बी का भी यूज किया था, जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन जो देखा था। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूं मैं। ठीक है, तो इसको करते हैं जीरो ऑर्डर पे लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम फर्स्ट ऑर्डर पे बढ़ेंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ CL2 गैस, डिकम्पोजिशन ऑफ CL2 O7 गैस CL2 O7 गैस लाइक लाइक CL2 O7 गैस tends to give twice of CLO2 plus 3/2 O2 gas। ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया कि पी नॉट जो उसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ 600 mm of HG। ठीक है, सेकंड इंफॉर्मेशन उसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है उसने माइनस dCl2O7 by dt is equal to 50 mm of Hg। ओके, ये उसने दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, बोला क्या उसने, कैलकुलेट क्या करने बोला है, फर्स्ट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 at t equal to 2 seconds। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन उसने क्या बोला, t half of reaction of Cl2O7। ठीक है, थर्ड उसने क्या पूछा है, rate of reaction किसका, twice of Cl2O7 tends to give 4 Cl O2 gas plus thrice of O2 gas। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, टोटल प्रेशर आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट मेरा सजेशन ये रहेगा वीडियो पॉज करिए फिर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, एंड देन आप देखिए आपसे कितना बन रहा है, कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, अब होप सो अगर आपने रेट अटेंड कर लिया हो तो चलो इसमें देख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ O2 एट t इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, तो मुझे मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डी ऑफ Cl2O7 बाय dt इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस 1/3/2 d of O2 by dt, क्योंकि ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो d of Cl2O7 उसने कितना दिया हुआ, d of O2 दिया हुआ 600 और ये कितना हो जाएगा 2/3 d of O2 by dt, तो ये हो जाएगा 600 into 3 divided by 2। ठीक है, सॉरी ये 50 दिया हुआ, माइनस टेक ये उसने दिया हुआ 50 बराबर हो जाएगा 50 into 3 divided by 2, ये आपका क्या हो जाएगा d of O2 by dt, मतलब ये कितना हो जाएगा 25, that's nothing but 75 mm Hg,
क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे Cl2O7 बोला है, इसका मतलब आपको रेट कांस्टेंट में किसका यूज करना पड़ेगा, Cl2O7 का ही यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक हम एक बात समझो कि इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना पड़ेगा, क्योंकि R बराबर क्या होता है, Ka0 होता है और ये K होता है, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर हो जाएगा D of Cl2O7 by dT, ये होगा। इसका मतलब K की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, K की वैल्यू यहाँ पे होगी 50 होगी, K की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो K की वैल्यू जब 50 होगी तो T हाँ बराबर क्या हो जाएगा मेरा A0 by 2K, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A0 की जगह P0 लिखूंगा, क्योंकि प्रेशर है ये P0 by 2K, तो P0 मेरा 600 है डिवाइडेड बाय 2 into 50, तो दैट्स नथिंग बट 6 मिनट हो जाएगा। 6 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 मिनट आपका हो जाएगा हाफ लाइफ हो जाएगा। 6 मिनट आपका क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा। यहाँ तक आपको सब सॉरी 6 मिनट सॉरी 6 सेकंड हो गए यहाँ पे, सॉरी सेकंड में आंसर आएगा, नॉट मिनट में, ये आंसर सेकंड में आएगा। ओके ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ नहीं दिया जाए तो आप 6 सेकंड ही मान के चलना, ठीक है, सेकंड में ही आंसर प्रेफरेबल होता है। थर्ड उसने बोला है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ DOCl2O7 ट्वाइस ऑफ, मतलब कुछ नहीं, आपको याद होगा आपको मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन में कोई फर्क, मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, भले रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन फर्क पड़ जाए, तो ये अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्रेशन 1/2 DOCl2O7/dt, ठीक है, माइनस, तो DOCl2O7 ऑलरेडी कितना दिया हुआ -1/2, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 50, तो दैट्स नथिंग बट 25 mmHg, 25 mmHg। ऑब्वियस बात है अगर स्टोइकोमेट्रिक चेंज के समय रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R बराबर K, तो ये भी कितना हो जाएगा 25 सेकंड हो जाएगा, R की K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। आई बात समझ में? फोर्थ क्वेश्चन जो वो थोड़ा एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन उसने बोला रेट ऑफ प्रोडक्शन है T=2 सेकंड, मैं 4 सेकंड बोलू 6 सेकंड बोलू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि रेट कभी भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जीरो डर के लिए। आई बस इसलिए मैंने ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। सेकंड क्या, टी हाफ ऑफ द रिएक्शन आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। थर्ड मैंने क्या बोला, इसका रेट ऑफ, इसका अगर स्टोइकोमेट्रिक चेंज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो भैया क्योंकि इसका एक्सप्रेशन -1/2 DOCl2O7 ये R के बराबर होगा, क्योंकि ये जो इसका स्टोइकोमेट्रिक डिवीजन में आ जाएगा, वो अलग बात है कि इसको +1/4 DCl2O7 या +1/3 DO4 by DT, हालांकि उनकी उस इंफॉर्मेशन की मुझे कोई जरूरत ही नहीं, तो मैं इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिख के मैंने डायरेक्ट इसको इक्वेट कर दिया, यहां से मैंने रेट नहीं कर दिया, बस इतना ही मैंने किया। तो ये फोर्थ जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मान लो Ti twice of Cl2O7 tends to give कितना 4 of ClO2 plus thrice of O2, ठीक है, इनिशियली P0 था तब ये 0 0 था, तो P0 माइनस 2P चला, यहाँ पे 4P बना और 3P बना, ये T=0 पे था और T=10 सेकंड पे कुछ मुझे एक्सप्रेशन ऐसा मिल रहा है, तो टोटल प्रेशर मेरे पास कितना होगा, टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे हो जाएगा P0 माइनस 2P प्लस 4P प्लस 3P, तो ये हो जाएगा P0 प्लस 5P, कितना हो जाएगा P0 प्लस 5P, इसका मतलब अगर आपको ये P के वैल्यू पता चल जाए तो आपको टोटल प्रेशर पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको निकालने कैसे, अगर मैं बोलूं ये क्या बोल सकता हूं मैं, पी एट मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी, तो इसको मैं ऐसे तो बोला प्रेशर एट टाइम टी, तो पीटी को मैं क्या लिख सकता हूं, पीसीबी पीटी को मैं लिख सकता हूं A0 माइनस KT, वहां माइनस KT इसलिए यूज किया था क्योंकि स्टोइकोमेट्री बनता है, तो यहां पे स्टोइकोमेट्री क्या है 2 है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा A-2KT, इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पहले भी किया हुआ है, जो स्टोइकोमेट्री होगा वही स्टोइकोमेट्री यहां पे आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, याद है आपको A0 B0 वाले प्रॉब्लम में जो कराया था, तो सेम चीज यहां पे भी होगा। अब इस PT के बराबर क्या हो जाएगा, P0 माइनस 2P बराबर क्या हो जाएगा, P0 माइनस 2P बराबर हो जाएगा P0 माइनस 2KT, तो P0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P=, किसके बराबर हो जाएगा, KT के बराबर, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू मैंने निकाल दी 25 हो जाएगी, टाइम कितना है 10 मतलब 2 50 हो जाएगा,
तो यहाँ पे पी नॉट आपके पास ऑलरेडी 600 था प्लस 5 into 250, तो ये 600 प्लस ये कितना टाइम्स हो जाएगा 1250, मतलब कितना आ जाएगा 1850 mmHg आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? एक थोड़ा अच्छे लेवल पे मैंने प्रॉब्लम कराने की कोशिश की आपको, ठीक है? यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो अब ये हमारा यहाँ से जीरो ऑर्डर क्या हो चुका, कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आप ये बताओ डेफिनेशन क्या होगा भैया, जिस रिएक्शन में रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि जीरो ऑर्डर में तो क्या था, जीरो का पावर था, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा 1 का पावर होगा, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा 2 का पावर होगा। आई बात समझ में यहाँ पे आपको सबको? चलो ठीक है, तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई है तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी 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 जितना वेरी लगा दो उतना कम है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? याद रखिएगा मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपका पूरा केमिकल कैंडिडेट्स में फर्स्ट ऑर्डर पे घूमता, तो इस पे बहुत ज्यादा हमें फोकस करना। डोंट वरी, कल एडवांस लेवल के प्रॉब्लम भी कराऊंगा मैं आपको, मेंस लेवल के भी प्रॉब्लम करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, ठीक है? तो रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स ऑन, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रिएक्शन हुज rates depends upon first power of concentration, are known as first order kinetics, सपोज करो मान लो ये मेरा कोई फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, ए से बी जा रहा है, ए से क्या जा रहा है, बी जा रहा है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो रेट ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, आर के के ए का पावर 1 क्या हो जाएगा, आर के ए का पावर 1 हो जाएगा। आई बात समझ सबको, ठीक है? एनी यहां तक आपको चीज अगर आपको समझ में आ गई होंगी तो अब यहां पे आप ऑब्जर्व करो, अगर जीरो ऑर्डर होता तो इसको हम क्या बोलते थे, यहां पे पावर 0 रखते थे और फर्स्ट ऑर्डर रहता था तो हम इसमें यहाँ पे क्या लिखते थे, फर्स्ट मतलब 1 लिखते, सेकंड ऑर्डर रहेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रहेगा तो क्या रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा, लेकिन फर्स्ट है तो इसलिए यहाँ पे पावर हमेशा क्या रखेंगे हम 1 रखेंगे। चलो t equal to 0 पे ये a नॉट था तब यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, t equal to t पे यहाँ पे क्या बनेगा a नॉट माइनस x और यहाँ पे x बनेगा, तो ये इसको a t मान सकते हैं, इसको हम क्या मान सकते हैं b t मान सकते हैं, ठीक है? रेट मेरे बराबर क्या है माइनस dA by dt बराबर क्या हो जाएगा, -dA by dt बराबर हो जाएगा +dB by dt। क्या ये हमेशा dx/dt के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप 2 भी लिखते थे तो a माइनस, तो यहाँ तो हाफ आता था, यहाँ पे हाफ आता था और a नॉट माइनस 2x, तो a नॉट कैंसिल होगा, अगेन 2 कैंसिल होगा, तो इन एनी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हमेशा ये वैल्यू dx/dt के बराबर ही होगी, और ये किसके बराबर होगा, k a नॉट के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, k of a concentration, ठीक है? क्योंकि अगर ये मैंने x के टर्म में लिया रेट को तो इसको भी x के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ k a नॉट माइनस x, ठीक है? इनिशियल कंसंट्रेशन कभी नहीं रहता, हम सब बाद वाला कंसंट्रेशन रहते हैं, तो a नॉट माइनस x मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है? अब dA/dt जो होगा मेरा, सॉरी ये जो होगा dx/dt किसके बराबर हो गया मेरा, dx/dt बराबर हो गया a नॉट माइनस x हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे ऐसा कर दो, dx बराबर लिख दो dx/a0-x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k dt हो जाएगा, ठीक है? इसको इंटीग्रेट कर देता हूं मैं, इसी मेथड को भी हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड भी बोलते हैं, जिस तरीके से हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं इसमें हम देखो इंटीग्रेशन यूज करें, इस मेथड को हम इंटीग्रेटेड लॉ रेट लॉ मेथड भी बोलते हैं। और ये कहां से कहां था, a नॉट से, इसका जो इंटीग्रेशन था 0 से लेकर x तक होगा और ये हो जाएगा 0 से लेकर t तक हो जाएगा, तो dx by ये x का जो इंटीग्रेशन होता है ये आपको पता होगा, मैथ्स वाले को ज्यादा पता है, ln a नॉट माइनस x होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ln a नॉट माइनस x और यहाँ पे क्या होगा kt हो जाएगा, क्या हो जाएगा kt हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है? अब यहाँ इसका कहाँ से कहाँ 0 से लेकर
एक्स तक, जीरो से लेकर एक्स तक, और ये कहां से कहां होगा, जीरो से लेकर टी तक होगा, ठीक है। तो अब ये इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एक्स एक बार एक्स पुट करना है, एक बार जीरो पुट करना है, तो ये थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको आता होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगा आपको मिलेगा माइनस एल एन ए नॉट माइनस एक्स प्लस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के टी, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो एल एन ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एल एन ए नॉट प्लस के टी, सॉरी माइनस के टी, एल एन माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे पहला फॉर्मूला हुआ, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, सॉरी पहला फॉर्मूला आपका ये होगा, ये आपका पहला फॉर्मूला हुआ, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ। आई बात समझ में, एल एन ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। एल एन को मैं लॉग के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, लॉग ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, लॉग ए नॉट माइनस के टी। तो आप एल एन के फॉर्मेट में लिखो या लॉग के फॉर्मेट लिखो, चॉइसिस योर्स, कोई इशू नहीं है। आई बात समझ में, अब इस टर्मिनोलॉजी को मैं यहाँ ले आऊँ, तो लॉग ए नॉट माइनस एक्स बाय लॉग ए नॉट, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। मान लो सपोज को एक सबट्रैक्ट और सबट्रैक्ट, तो लॉग को मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये इसको मैं क्या लिख, इसको 2.2, सॉरी यहाँ पे मेरे मिस्टेक है। जब लॉग आपको याद होगा, जिसको नहीं पता है, एल एन बराबर क्या होता है, एल एन एक्स बराबर होता है 2.303 लॉग एक्स, ये याद रखिएगा इस चीज को। मैथ्स वालों को तो खैर पता होगा, उनको मैं नहीं बता रहा, बट मैं जो हमारे यूनिट वाले उनको पता होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता, अब देखो इसको मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में, इसको एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। एल एन जब यहाँ पे आ जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एल एन ये इधर, इसको इधर ले जाता, इसको इधर ले जाता, ये सबट्रैक्ट में आ जाएगा, तो ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स लिख सकता हूँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। ये इस तरफ आ गया, के टी वाला टर्म इधर आएगा, एल एन ए नॉट माइनस एक्स इधर आ जाएगा, तो इस माइनस मतलब एल एन ए माइनस बी क्या होता है, एल एन ए बाय बी होता है, एल एन क्या होता है, ए बाय बी होता है। तो अब कुछ नहीं करना, तो यहाँ सब आपका थर्ड फॉर्मूला निकला, के बराबर क्या होगा, 1 बाय टी एल एन ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्यों, जनरली आपको देखा जीरो ऑर्डर में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन बोले कि भाई 10% आपका 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 10 मिनट में, 20% रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट में, ठीक है। वैसे उस टाइप में अगर फर्स्ट ऑर्डर में 10% रिएक्शन आपका 10 मिनट में खत्म हो रहा है, तो बताइए अगला 40% रिएक्शन कितने टाइम में खत्म होगा। तो बस आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरा 100 मानोगे, परसेंट में रहा और फ्रैक्शन में रहा तो मेरा 1 मानोगे, तो आगे हम ये प्रॉब्लम करेंगे। तो फिलहाल ये समझो, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर लॉग को कन्वर्ट करोगे इसे, तो 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर के मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी के ऊपर रहता है, ठीक है, मेंस वगैरह स्पेशली, या जनरली जो प्रॉब्लम होते हैं ना परसेंटेज वाइज, भाई इतने टाइम पे इतना परसेंटेज खत्म हो रहा है, तो बताओ इस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए नॉट तो क्या है, ए नॉट मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट मैंने मतलब कंसंट्रेशन एट टाइम टी, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन टाइम टी वाई है। तो जनरली जो हमें जो फॉर्मूला बनते, जो हमारे प्रॉब्लम बनेंगे वो इस फॉर्मूले से बनते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं इसको और क्या चेंज कर सकता हूँ, देखो मुझे पता है यहाँ से कि एल एन ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, के टी है यहाँ से, ठीक है। अब मैं दोनों तरफ एंटी लॉग लेता हूँ, तो ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेज टू के टी लिख सकता हूँ, आया ना, e to kt लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं कि a not minus x equal to क्या हो जाएगा, a not e raised to minus kt लिख सकता हूं, रिवर्स कर दिया मैंने, ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया, तो e raised to minus kt आ जाएगा यहां पे, तो यही तो मेरा हुआ at, a not minus x बराबर क्या है, at e raised to minus kt, मतलब अगर रिएक्टेंट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखो, समझ लो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट follows exponential
follows exponential. यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ. Concentration of reactant हमेशा first order में exponential. इसलिए first order कभी भी complete नहीं होता, क्योंकि देखो graph तो ऐसा जाएगा और वो तो infinite तक जाते रहता है, क्योंकि कभी वो zero वाले curve को touch, zero x-axis को कभी touch ही नहीं करेगा. इसलिए first order कभी भी practically complete होता नहीं. आपको मैं proof करके भी बताऊंगा. तो जब concentration reactant का exponentially follow करेगा, इसका मतलब product of concentration product भी क्या करेगा, exponentially follow करेगा. कैसे फॉलो करेगा अभी हम देख लेते हैं. ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ये तो रिएक्टेंट का हो गया. अब मुझे पता है a नॉट माइनस x बराबर क्या है, a नॉट e रेस टू माइनस kt. तो क्या मैं इधर, ये इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो यहां पे तो x बराबर क्या हो जाएगा, a नॉट 1 माइनस e रेस टू माइनस kt फॉर्मूला होगा. आई बात समझ में, एक मिनट फुल करना. ठीक है, ये आपका हो जाएगा. देखो ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये हो जाएगा आपका सिक्स, और ये हो जाएगा आपका सेवन. तो ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉलोस एक्सपोनेंशियल. तो ये कंसंट्रेशन एक्स मेरा क्या है, देखो एक्स मेरा यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एट टाइम टी. तो यही हुआ मेरा, समझ में आई बात सबको. ठीक है, यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर हो चुका है. तो ऊपर का मिटाना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो यहाँ से अब आपके ये जो सात फॉर्मूले, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनको आपको भूलना नहीं है किसी भी एंगल से. ठीक है, तो ये हुआ आपका. ठीक है, तो ये सात फॉर्मूले आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, प्रोडक्ट एट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी, और परसेंटेज वाली प्रॉब्लम की, मान लो इतने टाइम पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इतना हो रहा है रिएक्टेंट का, तो इतने टाइम पे कितना होगा, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, ये कितने टाइम में कितना होगा, तो ये फॉर्मूला हमें उस समय यूज करना है. ठीक है, तो यहां तक बात समझ में. अब जो बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा. अल्फा बराबर क्या होगा, इनिशियल ए नॉट किया था, बाद में क्या हो गया x, तो मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, a नॉट 1 माइनस e रेस टू माइनस kt बाय a नॉट. ठीक है, बाय a नॉट. तो इसका मतलब a नॉट क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, a नॉट क्या हो जाएगा, सॉरी एक जस्ट मिनट वेट अ सेकंड. ठीक है, तो यहां पे हमें a नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस e रेस टू माइनस kt. ठीक है, ये जेई 1998 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. ठीक है, 1998 में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आया हुआ. ठीक है, अगर हम बात करूं रेट वर्सेस टाइम, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया, मान लो तो मान लो जैसे मैंने फॉर्मूला क्या था, r इक्वल टू k है, और ये कंसंट्रेशन एट टाइम एनी टाइम t पूछ सकता है, तो क्या मैं r को ऐसा लिख सकता हूं k a नॉट e रेस टू माइनस kt. तो ये रेट भी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ फॉलो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. समझ में आया, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आई बात समझ में, तो इस चीज को याद रखिएगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये क्यों फॉर्मूला लिखा है, तो टाइम लाइफ टाइम की बात करूँ, TLT. तो देखो लाइफ टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो लाइफ टाइम अगर 100% लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे मेरा रिएक्शन 100% कंप्लीट हो, 100% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए आपका AT की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. अब AT का फॉर्म वैल्यू जीरो होना चाहिए, मतलब A नॉट e रेस टू माइनस kT की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो. अब आपको ये पता है कि A नॉट तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये हुआ कि e रेस टू माइनस kt की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो. और ये जीरो तभी हो सकती है क्योंकि k तो मेरा कांस्टेंट है, k तो चेंज नहीं हो सकता. इसका मतलब टाइम आपका क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए. एट इंफिनिटी, t टेंड्स टू जब इंफिनिटी होगा, तब e की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है. मतलब क्या हुआ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि हाफ लाइफ कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, अनंत समय तक वो चलते रहता, अनंत समय तक, मतलब कभी कंप्लीट ही नहीं होगा. तो ये आप देख भी सकते हो, क्योंकि 80 बराबर 0 हाफ लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है कि भैया 80 एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, मतलब रिएक्टेंट क्या हो चुका, खत्म हो चुका,
रिएक्टर खत्म हो चुका, मतलब a नॉट e रेस्ट टू माइनस kt भी क्या हो चुका आपका जीरो हो चुका है। ये जीरो होने का मतलब देखो a नॉट या तो a नॉट जीरो होगा या तो ये वाला टर्म जीरो होगा। a नॉट जीरो होने का मतलब a नॉट जीरो होने का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ही जीरो होगा, मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब e रेस्ट टू माइनस kt जीरो होना चाहिए। तो ये जिसमें देखो k तो मेरा क्या कांस्टेंट है तो वो जीरो कभी हो नहीं सकता है, तो t इस t का कुछ वैल्यू होगा तभी e का पावर समथिंग जीरो हो रहा है, तो ये तभी जीरो हो सकता है जब टाइम क्या होना चाहिए इंफिनिटी। इसलिए अनंत समय तक मतलब लाइफ टाइम तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है चलते रहता है। इसलिए क्या कहा जाता है ना कि अगर रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का 99.9% भी कंप्लीट हो गया तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं वो पॉइंट लिख देता हूँ नोट बना के, ठीक है। क्या है भैया थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, थ्योरेटिकल लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट। हेंस इफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, हेंस इफ रिएक्शन इज completed, hence the reaction is completed up to 99.99%, up to 99.99%, then it is assumed to be, then it is assumed to be, then it is assumed to be completed, then it is assumed to be completed, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो समझ में आया, चलो यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो चुका है, ठीक है। ओके नाउ अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ की, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में at बराबर क्या होना चाहिए, a नॉट बाय 2 होना चाहिए, और at बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, a नॉट e रेस टू माइनस kt a नॉट बाय 2। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये क्या लिख सकता हूं 1 बाय e रेस टू kt बराबर क्या होना चाहिए 1 बाय 2। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि e रेस टू kt बराबर क्या हो जाएगा, e raise to kt हो जाएगा 2। तो anti log ln ले लेता हूं दोनों तरफ, तो kt बराबर ये t half हो जाएगा, सॉरी ये टाइम t क्या हो जाएगा, t half हो जाएगा, ठीक है। तो kt half बराबर क्या हो जाएगा ln 2, तो t half बराबर का फार्मूला क्या हो जाएगा ln 2 by k, या इसको हम लिख सकते हैं 0.693 by k। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो आपको याद होगा जीरो ऑर्डर में मैंने हाफ लाइफ का फार्मूला क्या था, a नॉट बाय 2 k, मतलब ये भी एक अलग पहचाने का तरीका कि जीरो अगर मान लो किसी रिएक्शन को बोला कि भैया ये ऐसा रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इट मींस ये कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। और यदि हाफ लाइफ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी है, आप ये बोल सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनके हाफ लाइफ कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आई बात समझ में सबको, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं नोट लिखाने जा रहा हूँ ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं, आप खुद से आपसे पूछे पूछेगा कि मान लो जीरो ऑर्डर के लिए फर्स्ट 10% मतलब 1 से लेकर 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10% 10 मिनट लग रहा है, फर्स्ट 10% अगर 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 मिनट लगता है जीरो ऑर्डर के लिए, तो 91 से 100 मतलब लास्ट 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है 10 मिनट। लेकिन यही चीज अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोलूं कि फर्स्ट 10% अगर 10 मिनट में कंप्लीट होता है तो लास्ट का 10% कितने मिनट में कितने टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, सोचिए कितना लगेगा, इनफाइनाइट। वेरी गुड, आंसर कितना होगा इनफाइनाइट, क्योंकि वो रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, तो ऑब्वियस बात है लास्ट का टाइम क्या लगेगा, और बहुत ज्यादा लगेगा, इनफाइनाइट टाइम लगता है क्योंकि रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं हुई है। इंपॉर्टेंट और क्या बात है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होता है जीरो ऑर्डर में कि इक्वल अमाउंट रिएक्ट करता है इक्वल टाइम में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है
इक्वल परसेंट या इक्वल फ्रैक्शन रिएक्ट करता है इक्वल टाइम में, ये भी अपने आप में स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी डेफिनाइट फ्रैक्शन और percentage of reaction is independent from age, initial concentration. ठीक है, initial concentration पे depend नहीं करता है। ठीक है, ये बात है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं ग्राफ रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अगर मैं बात करूं, ठीक है, ठीक है, तो पहला ग्राफ जो है मेरा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का, यहाँ पे भी रेट वर्सेस टाइम का। ठीक है, सेकंड ये आपको खुद से पहले अटेंड करिए। ठीक है, रेट वर्सेस टाइम का एलन एटी वर्सेस टाइम का या हो जाएगा लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी वर्सेस टाइम का। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का। ठीक है, यहीं पे ग्राफ का सेक्शन खत्म कर देता हूँ। चलो, ठीक है, इसमें जो आ रहा है मेरा नेक्स्ट है अल्फा वर्सेस टाइम का और टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का। ठीक है, या फिर आप बेसिकली बोल ऐसा लिख सकते हो टी हाफ वर्सेस ए नॉट का। ठीक है, चलो, कंसंट्रेशन वर्सेस रिएक्टेंट का ग्राफ कैसा होगा? क्योंकि आर इक्वल टू के ए होता है, तो इसका मतलब लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, कंसर रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा? देखो, एक्सपोनेंशियल, तो रेट क्या होगा? एक्सपोनेंशियली क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेट क्या होगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। इनिशियली क्या था? ए नॉट था, और धीरे धीरे क्या होता जाएगा? ये डिक्रीज होता जाएगा। कैसे होता जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, समझ में? इनिशियली यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी? के ए नॉट, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, और धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज होता है। एलन एटी का फॉर्मूला क्या होता था? एलन एटी बराबर क्या होता है? एलन ए नॉट प्लस के टी, ठीक है, सॉरी माइनस के टी होता था। क्या होता था? माइनस के टी होता था, माय मिस्टेक। ln a0 - x = ln a0 - kt फॉर्मूला आता था, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ? दिस स्लोप विल बी k, स्लोप होगा इसका k। log at का ग्राफ कैसा होगा? ये भी कुछ ऐसे रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था? log at बराबर होता था log ऑफ a0 माइनस 2.3 सॉरी k by 2.303 into t। ठीक है, concentration of reactant versus time का इसका जो graph होगा कैसा होगा? exponentially decrease करेगा ये graph कैसा होगा? exponentially decrease करेगा, मतलब कुछ ऐसा रहेगा ये graph। initially value हमेशा कितनी रहेगी? a not, ये maximum value रहेगी। product क्या होगा? जब ये exponentially decrease कर रहा है, तो exponentially क्या होगा? increase करेगा। ठीक है, alpha versus time का graph कैसा रहेगा? obviously बात, alpha ये भी कैसा रहेगा?
एक्सपोनेंशियली रहेगा, बट हाईएस्ट वन से ऊपर नहीं जाएगा ये अल्फा इक्वल टू वन, क्योंकि हाईएस्ट वन वैल्यू होती है। हाफ लेंथ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑब्वियस बात है ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है एल एन टू बाई के, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे मुझे कंसंट्रेशन टर्म ही नहीं है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ है इंडिपेंडेंट टर्मिनोलॉजी। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आता है मेरा, ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा मेरा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में देखे थे कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं इनके, वैसे आपको फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल भी याद रखने, कभी कभी जेई मेंस में या नीट में आपसे एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए फिजिकल का, ये जो मैं एनसीईआरटी जो फिजिकल का जो है ना बेटा, ये ट्वेल्थ का जो एनसीईआरटी फिजिकल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट और जेई मेंस प्रोस्पेक्ट से, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन क्वेश्चन बना के दे देता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, सभी याद रखना इन बातों को। ठीक है, तो स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल होता है देखिए, ऑल प्रॉब्लम याद रखिएगा, ऑल प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेडियोएक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, ये सारे रेडियोएक्टिविटी के प्रॉब्लम किसके होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इससे तो ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ और डीके ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ये भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी आपको क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्या होता है, C12H22O11 सुक्रोज जो होता है आपका, ठीक है, ये क्या होता है, सॉरी ये हो जाता है आपका, ठीक है, प्लस H2O एसिड के प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस C6H12O6, तो ये क्या देता है आपको, ग्लूकोज, एक क्या देगा आपको, ग्लूकोज, और एक देगा आपको फ्रक्टोज। ठीक है, ये आपने बेसिकली बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा, ये डी फॉर्म होता है, ये एल फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा उतना कोई काम नहीं पड़ता, तो आप ये चीज आप पहले से डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। कैसा होता है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो CH3COOC2H5 tends to give, ठीक है, tends to give, ठीक है, plus H2O H+, ये आपको देता है क्या, एसिडिक एसिड देगा आपको CH3COOH plus अल्कोहल देता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो होता है आपको NO2 वाला, twice of N2O5, twice of N2O5 tends to 4 of NO2 plus, ये भी रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल होता है ट्वाइस ऑफ H2O2 टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2, ये भी एग्जांपल कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। और ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, आप अपने मन से नहीं बता कर सकते इन सब चीजों को। ठीक है, अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, देखो कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन कर दूं तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। आपको याद होगा पहला कंपैरिजन, अगर मैं पहले कैरेक्टरिस्टिक जीरो ऑर्डर की बात करूं तो उसमें क्या था, इक्वल अमाउंट रिएक्ट करता था इक्वल टाइम में। ठीक है, मतलब अगर इनिशियली 10 है 100 से 90 गया, अगले 10 मिनट में भी 90 से 80 ही जाएगा, मतलब 10-10-10-10 रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में होता है इक्वल परसेंट रिएक्ट करता है। तो मान लो उधर इक्वल अमाउंट रिएक्ट करता है, फर्स्ट ऑर्डर में इक्वल परसेंट रिएक्ट करता है, तो मान लो पहले 10 मिनट में 10% रिएक्ट कर रहा है, तो 100 से 10 मिनट में कितने में जाएगा, 90 में जाएगा, अगले 10 मिनट में कितने में जाएगा, फिर 10%, तो 90 का 10% कितना होता है, 90 का 10% होगा आपका 9, तो अब 81 बचा। तो इस तरीके से 100, 10, 10, 10, 10, 10 करते करते ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। ठीक है, दूसरा वहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी जो बच रहा था वो किस फॉर्म में बच रहा था, एपी का फॉर्मेट बच रहा था,
क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल, इसलिए यहां पे किस फॉर्म में बचेगा, जीपी के फॉर्म में बचेगा, ठीक है। वहां का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यहां का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है। लिख देता हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं पहला इक्वल फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन भी बोल सकता है, ऐसा नहीं कि परसेंटेज, इक्वल फ्रैक्शन कि पहले तीन मिनट में वन थर्ड रिएक्ट कर रहा था, अगले तीन मिनट में वन थर्ड ही रिएक्ट करेगा, उसका वन थर्ड जो बचा हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल फ्रैक्शन और परसेंट, इक्वल फ्रैक्शन और परसेंट, इक्वल फ्रैक्शन और परसेंट विल रिएक्ट इन, विल react in equal time interval। जैसे 100 था इनिशियली, सपोज करो तो मैंने बोला 10 मिनट में 10% रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 90। अगेन 10 मिनट में 10%, तो यहाँ पे कितना बचेगा 81। अगेन यहाँ पे 10 मिनट में 10% रिएक्ट करे तो 81 का 10% कितना होता है 8.1, यहाँ पे कितना बचेगा 72.9। अगेन इसका 10% 10 मिनट में कितना रिएक्ट करेगा तो 65.6। तो ऐसे सो ऑन क्या होता जाएगा, चलते जाएगा। ये समझ में आई बात सबको, ठीक है। तो तब ये समझना ना कि अगर आपको पहचानना हो तो क्या फॉर्मूला लगा, तो k बराबर 1 by t ln a naught by a naught minus x। तो देख लो टाइम था आपको कितना दिया हुआ, 10 मिनट इनिशियल आपका कितना था 100, बचा कितना 90। तो ये रेशियो कितना होगा ln में, ये हमेशा ln के अंदर एक बात याद रखना, ln में हमेशा नंबर ही आएगा, कभी कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता। तो ये 10/9 है अगले 10 मिनट में, तो दूसरे 10 मिनट में कितना होगा 90/81। तो अगेन कितना हो जाएगा 10/9 ही होगा। नेक्स्ट रेशियो भी ये रेशियो अगर आपका कांस्टेंट आ रहा है, इट मींस आपका क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, आप ऐसे भी पहचान सकते हो, ठीक है। सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल, आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल आर इन जीपी, किस फॉर्मेट में जाएगा ये जीपी के फॉर्मेट, कैसे t इक्वल टू 0 पे अगर a नॉट था तो t इक्वल टू t पे क्या होगा a नॉट e रेस टू माइनस के टी, t इक्वल टू t पे क्या होगा a नॉट e रेस टू माइनस 2 kt, t इक्वल टू 3t पे कितना होगा a नॉट e रेस टू माइनस 3 kt। इनको कॉमन रेशियो जीपी में हम क्या लेते हैं, कॉमन रेशियो लेते हैं। तो कॉमन रेशियो कितना होगा, देखो e रेस टू माइनस के टी यहाँ का भी कॉमन रेशियो, e रेस टू माइनस के टी यहाँ का भी कॉमन रेशियो, e रेस टू माइनस के टी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कॉमन रेशियो क्या क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तीसरे प्रॉपर्टी की, तो तीसरा प्रॉपर्टी आपको क्या होगा कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है कि उसका हाफ लाइफ हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ना फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ डिपेंड करता है ना सेकंड ऑर्डर का हाफ लाइफ, किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ उसके रिएक्शन पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेट
changes exponentially, rate changes exponentially. Rate changes with concentration, as well as time, and decreases, exponentially, तो rate जो होता है इसका, देखो वहाँ पे linearly graph follow करता था, rate versus time, का तो क्या होता था? जीरो ऑर्डर में स्ट्रेट लाइन आता था, राइट रेट टाइम पे डिपेंड करता नहीं था, कंसंट्रेशन भी टाइम पे डिपेंड नहीं करता था, इसलिए दोनों में स्ट्रेट लाइन आता था। बट यहाँ पे रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन और टाइम के साथ क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 मोलर, ठीक है, 8 मोलर आपको दिया हुआ है, विच चेंजेस टू 2 मोलर, इन 40 मिनट्स, ठीक है, कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, पहला रेट कांस्टेंट, सेकंड है हाफ लाइफ, थर्ड है कंसंट्रेशन, ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब चीजें आपको निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस फॉर्मूले से, पहले इन्फॉर्मेशन से तो आपको याद होगा, जब मैंने ऐसा बोला इतने टाइम पे इतना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, या तो आपसे टाइम पूछेगा तो रेट कांस्टेंट पूछेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा जल्दी बताओ, पहला फॉर्मूला हमारा लगेगा के वन बाई टी एल एन ए नॉट बाय ए नॉट माइनस एक्स। अभी ए नॉट माइनस एक्स यूज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्म ये तब आप यूज करेंगे जब परसेंटेज में ऑलरेडी उसने ए नॉट पता है 8 मोलर है, ए नॉट माइनस एक्स दैट्स समथिंग, बट एटी आपको कितना दिया हुआ, एटी आपको दिया हुआ 2 मोलर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करिए, तो 1/t मतलब पहला क्वेश्चन का तो मेरा आंसर है रेट कांस्टेंट, तो 1 बाय कितना टाइम रख दिया हुआ 40, 1/40 ln इनिशियली 8 था, बाद में हो गया 2, तो दैट्स नथिंग बट 4। ठीक है, तो दैट्स नथिंग बट 1/40, 1/40 ln 4, 1/40 ln 4। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/40 ln 4 को 2 ln 2 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा ln 2/20, ln 2/20 मेरा क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट। मैं इसी फॉर्मेट में रखता हूँ, आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी रख सकते हो, क्योंकि ये आगे कैलकुलेट करने में मुझे आसानी होगी, इसलिए मैं इसको इस फॉर्मेट में रख रहा हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं पढ़ू, ठीक है, हाँ रेट कांस्टेंट आ गया, हाफ लाइफ की बात करो, हाफ लाइफ मेरे लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ बराबर होता है ln 2 / ln 2 / k। ठीक है, तो ln 2 को एज इट इज रखता हूं और क्या लिखता हूं ln 2/20, तो ln 2 ln 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 20 मिनट मेरा क्या हो जाएगा हाफ लाइफ हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा पार्ट उसने क्या बोला, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 60 मिनट,
अब थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, a नॉट e रेस टू माइनस kt, k भी पता है, t भी पता है, a नॉट पता है, at आपको निकालना है। क्या आपको लगता है इट्स अ वर्दी, डू यू थिंक कि ये आपको काम करेगा? ठीक है, आप या तो ऐसे चले जाओ या आप इस तरीके से भी जा सकते हो, मैं बोल रहा हूं कि k बराबर हो जाएगा 1 / t ln a नॉट / at। ठीक है, मैं तो ये बोलूंगा हमेशा ये फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर है, या कंसंट्रेशन है टाइम टी निकालना हो, रेट कांस्टेंट और ये आपको पता हो तो ऑब्वियस बात है ये फॉर्मूला हमेशा प्रेफरेबल होता है। k को मैं क्या लिख सकता हूं, ln 2 / 20 लिख दूं, टाइम 1 बराबर कितना दिया हुआ 60, ln कितने टाइम पे कंसंट्रेशन होगा, इनिशियल 8 था, बाद में मुझे क्या निकालना, 80 निकालना, तो ये कितना हो गया 3, तो यहां पे हो जाएगा 3 ln 2 is equal to ln 8 / 80, तो ये हो जाएगा ln 2 का पावर 3, तो ln क्या हो जाएगा 8 बराबर ln 8 / 80, क्या हो जाएगा ln 8 / 80, ln ln कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 is equal to 8 / 80, 8 8 कैंसिल मतलब कितना हुआ 80 का कंसंट्रेशन 1 मोलर, कितना हुआ कंसंट्रेशन 1 मोलर। और आप इसको और शॉर्टकट आप थ्योरेटिकली भी कर सकते हो, पूछो कैसे, देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि 50% आपका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, इनिशियली कितना था आपका 8 मोलर, एक हाफ लाइफ में अगर आपका एक हाफ लाइफ होता है तो कंसंट्रेशन उसका आधा हो जाएगा, मतलब अब 8 से 4 चला जाएगा। ठीक है, और क्योंकि उसने 60 मिनट्स बोला, मतलब कितने हाफ लाइफ यूज किए, 20 मिनट्स आपका एक हाफ लाइफ, तो उसने तीन हाफ लाइफ यूज किए, तो पहले हाफ लाइफ में इसको ऐसे भी कर सकते हो कि पहले हाफ लाइफ में 8 से 4 जाएगा, ठीक है, लेकिन उसने कितना यूज किया 20 20 20, से तीन बार यूज किया, फिर दूसरे हाफ लाइफ में 20 टी हाफ, फिर 2 चला जाएगा, फिर तीसरे हाफ लाइफ में 1 मिनट 1 मोलर हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व करिए, बड़ा फायदा होता है फर्स्ट ऑर्डर में, आप डायरेक्टली आपको हाफ लाइफ पता है तो आप कितने हाफ लाइफ यूज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हाफ कंसंट्रेशन का और आधा आधा आधा, और मान लो बोलते थे कि चलो 80 मिनट्स में तो इसका और आधा था 0.5, और बोलता था कि चलो 80 मिनट्स में 100 मिनट्स में तो और हाफ लाइफ होता था 0.5 का क्या होता था 0.25 होता था, बोलता था कि 120 मिनट 0.25 का क्या होता था 0.125, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो थ्योरेटिकली भी। तो ये शॉर्टकट टेक्निक हुआ इस सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में, चलो ठीक है, अगर आप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए टेंड्स टू प्रोडक्ट, ये कोई रिएक्शन आपको दिया हुआ है जिसका रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ इज 6.93 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। देखो यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर नहीं दिया कि कौन सा ऑर्डर है, लेकिन रेट कांस्टेंट यूनिट दी है, तो आपको पता है यूनिट देके हम बता सकते हैं टाइम इनवर्स हमेशा यूनिट किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक तरीका होता है पता करने का कौन सा तरीका है, कैलकुलेट, पहला क्या बोला उसने कैलकुलेट, फर्स्ट बोला टी हाफ, सेकंड उसने बोला टी 1/3, थर्ड उसने बोला है टी 2/3। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ टी हाफ से, तो टी हाफ को मैं क्या लिख सकता हूँ ln 2 / k। ठीक है, ln 2 एज इट इज रखता हूँ मैं, और इसको क्या है 6.93 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ln 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln 2 को लिख सकता हूँ 0.693 6.93 × 10⁻³। 10⁻³ ऊपर चला जाएगा 0.693 10⁻³ 6.93, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 ऊपर नीचे आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा 2, दिस और दिस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 100 मिनट, 100 मिनट आपका एक टी हाफ हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उसने क्या बोला है, सेकंड उसने बोला टी 1/3, टी 1/3 का मतलब क्या हुआ, टी 1/3 का मतलब है कि 1/3 ऑफ रिएक्शन मेरा क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, तो बचेगा कितना आपको 2/3, आप उसे सोचिए 1/3 या 2 3/2 t 3/4, इसका मतलब है कि इतने टाइम पे इतना फ्रैक्शन का रिएक्शन क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब टी 1/3 मतलब टी 1/3 रिएक्शन क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है, तो फॉर्मूला क्या होता था याद करिए, k सिंपल सा फॉर्मूला k 1 / t 1/3 ln
a not by a not minus x। अब यहाँ पे 100 नहीं ले सकते, जब परसेंटेज रहेगा तब 100 लेना, जब फ्रैक्शन रहेगा तो ऊपर एक मैं वैल्यू 1 रखो। तो t 1 by 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 by k ln, इनिशियल कंसंट्रेशन मुझे 1 by a not minus a not by 3। तो ये a not ln somehow anyhow कैंसिल होना ही होना है। और k को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 by k को लिख सकता हूँ 6.93 10 raise to minus 3 ln, कितना हो जाएगा ln a not ln कैंसिल हो जाएगा, तो 1 by 2 by 3, तो ये हो जाएगा 1 by 6.93 10 raise to minus 3 ln 3 by 2। तो this will be your answer। ठीक है, समझ में आया सबको, ये प्लीज कैलकुलेट करके आप मुझे बताइएगा। ठीक है, थर्ड उसने क्या बोला, t 2 by 3rd, 2 by 3rd के लिए अगेन k बराबर क्या होगा, सॉरी t 2 by 3rd बराबर क्या हो जाएगा, t 2/3 ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब ऊपर तो अगेन a not बचेगा, नीचे क्या बचेगा a not by 3, तो 1 में से 2 by 3 सबट्रैक्ट कर दे तो 1 by 3 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 6.93 10 raise to -3 ln, दैट विल बी योर आंसर। आई बात समझ सबको, चलो ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ में आए तो एक मैं इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख देता हूं। ठीक है, याद रखना कि अगर x परसेंट रिएक्ट करने बोलेगा तो आपको क्या लिखना है, t ऑफ x परसेंट बोलेंगे कितना टाइम में, तो 1 by k, या हो सकता है ये टाइम दिया हो, k पूछा हो, तो आपको लिखना है ln 100 by 100 minus x, ये परसेंटेज वाले में यूज करना है आपको, आई बात समझ में। और अगर फ्रैक्शन हो तो बस 100 की जगह 1 हो जाएगा। और अगर मान लो f fraction reacted बोलता है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, t of f जितना fraction हुआ 1 by k ln 1 by 1 minus f, जो fraction का part होगा उसको क्या कर देना, react करवा देना। आई बात समझ सबको, ठीक है, कोई doubt यहाँ तक, चलो एक question करते हो और अच्छा सा आपको better understanding होगा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, in a first order reaction time required to complete in a first order reaction time required to complete in a first order reaction time required to complete time required to complete 40% of the reaction 40% of reaction 40% of reaction is 10 minutes calculate time required to complete 80% of reaction। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, पहले टाइम दिया हो तो k निकालिए पहले इंफॉर्मेशन से, दूसरे क्योंकि k तो कभी चेंज होगा नहीं, तो दूसरे इंफॉर्मेशन में k पुट करके आप कंसंट्रेशन टाइम निकाल सकते हो। तो पहले के बराबर 1 by t ln a not by a t, तो k आपको दिया हुआ है क्या, k नहीं दिया हुआ, let it be k नहीं दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, k बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by 10 ln, ऊपर 100 है नीचे 60, क्योंकि 40% कंप्लीट हो चुका, तो नीचे क्या बचेगा 60, यही k की वैल्यू हो जाएगी। तो थर्ड भी मेरे क्या होगा k 1 by t ln, सेकंड में टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 80% ऑफ द रिएक्शन, तो ऊपर तो 100 हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1 by 10 ln 100 by 60 1 by t ln 100 by 20। ठीक है, दिस कैंसिल ओके नाउ। ठीक है, आप यहाँ से फिर आप t निकाल सकते हो, कैलकुलेटर यूज करिएगा, कैलकुलेट t फ्रॉम हियर, बाकी कुछ है नहीं, कैलकुलेट t, क्योंकि बाकी तो सब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है, हालांकि इन टाइप के क्वेश्चन में आपके log की वैल्यू दी जाएगी, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम खत्म करते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन for a first
initial concentration of reactant, initial concentration of is 16 molar, and t half of the reaction is and t half of the reaction is 13.86 × 10⁻³ minute. t half आपको दिया हुआ है, ठीक है? बोल रहा है पहला, calculate initial rate of reaction, second उसने क्या बोला था, rate after 27.72 × 10⁻³, ठीक है? काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमें आदत डालनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, ठीक है? तो अगर हम बात करूं इस टाइप क्वेश्चन की, देखो रेट पहला उसने क्या बोला, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मुझे बताना होगा, ठीक है? टी हाफ उसने दिया हुआ है, ठीक है? तो पहले मैं काम करता रेट कांस्टेंट निकाल देता, तो 0.693 बाय, ठीक है, के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी निकलेगी, की वैल्यू निकलेगी 0.693 डिवाइडेड बाय 13.86 × 10⁻³। यहां से जो k की वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है 50, कितनी आएगी 50 आएगी, कितनी आ जाएगी 50 आएगी, ठीक है? फॉर एन इनिशियल कंसंट्रेशन का 16 मोलर दिया हुआ है, तो इनिशियल रेट भी क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, तो 50 इनटू क्या हो जाएगा इनटू 16 तो दिया हुआ है उसने, तो क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8, ये हो जाएगा 8 × 10⁻², ये आपको क्या हो जाएगा इनिशियल रेट। तो पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट, बोल क्या रेट आफ्टर 27.2, मतलब इतने टाइम पे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा इस टाइम पे। तो या तो चॉइस आपके पास k बराबर 1/T ln a0/at, आप ये फार्मूला यूज करो, यहां से क्या निकालो at निकाल लो, एक चॉइस ये है। दूसरा चॉइस ये है, आप जब देखो हाफ लाइफ कितना है आपके पास, हाफ लाइफ दिया हुआ 13.86, ये हाफ लाइफ दिया हुआ है, इसका ट्वाइस मल्टीप्लाई करूंगा तो 27.72 नहीं आ रहा, ठीक है? इसका मतलब इनिशियली 16 था, एक हाफ लाइफ गया, तो इसका जस्ट एक दुगना हाफ लाइफ हो गया, मतलब दो हाफ लाइफ यूज किया उसने, तो 16 से एक हाफ लाइफ जाएगा, मतलब पहला 50% जो रिएक्शन कंप्लीट होगा तो कितना मोलर बचेगा 8 मोलर, तो इतना टाइम कितना लगा आपको 13.86, और 13.86 जोड़ दूंगा तो 13.86 तो ये क्या बचेगा 4 मोलर आपका आंसर होगा। आई बात समझ में, 4 मोलर आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन आपको डायरेक्ट पता चलेगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तो रेट क्या हो जाएगा 4 कंसंट्रेशन 4 मोलर होगा, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा k into कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ये कितना हो गया 50, ये तो रेट कौन सा 50 हो गया, कंसंट्रेशन कितना हो 4, तो 200 मिनट आपका क्या हो जाएगा रेट आफ्टर दिस मिनट। तो ये बहुत अच्छा आसानी है, देख लो हाफ लाइफ में कोई रिलेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, अगर दिया हुआ है मतलब दुगना या तिगुना चार गुना, तो कंसंट्रेशन उसी तरीके से घटाते जाओ, अगर हो सकता था इसका ट्वाइस बोलता था तो 4 की जगह आपको क्या लेना पड़ता था 2 लेना पड़ता था, ठीक है? तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आएंगी बहुत अच्छे से, ठीक है? फिर भी आपको फर्दर कोई डाउट आता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आप पूछ भी सकते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये काफी हद तक जेईई मेंस वगैरह में या नीट वगैरह में बहुत तरीके से यूज करवाता है, ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं पे कंटिन्यू, तो कल हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, कल का सिर्फ जो प्रॉब्लम होगा फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर पे, ठीक है? तो सेकंड ऑर्डर हालांकि नीट वालों के लिए नहीं है, बट खाली फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं नीट वाले, बट जेईई एडवांस एस्पिरेंट्स के लिए हम मेरे सेकंड ऑर्डर में इंपॉर्टेंट है। सो